नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने किया आंदोलन, दबाव के साथ हटा में अपने कार्य से विरत रहे अधिवक्तागण। मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी संघ हुए एक, दोनों संघों ने मार्च निकालकर दिया अपनी मांगों का ज्ञापन। मार्च महीने में तीसरी बार सुलग गया मड़ियादो क्षेत्र का जंगल, बेपरवाह वन विभाग ने आग बुझाने नहीं किए प्रयास। नवरात्र के तीसरे दिन भी मां बड़ी देवी दरबार रहा गुलजार, भक्तों ने माता के दर पर आकर चरणों में चढ़ाया आस्था का जल। और जैन तीर्थ क्षेत्र बेलाजी में मां मरुदेवी की भरी गई गोद, शनिवार को गढ़ाचार्य सिद्धांत सागर का मनाया जाएगा जन्मोत्सव। और अब समाचार विस्तार से। एक सप्ताह पूर्व मध्यप्रदेश स्टेट बार काउंसिलिंग के आह्वान पर जो ज्ञापन संपूर्ण मध्यप्रदेश में अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए जाने के विरोध में दिया गया था, उसी ज्ञापन को एक बार पुनः ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को दमोह के साथ पुनः हटा में महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। हटा में माननीय अपर सत्र न्यायाधीश हितेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता संघ की हटा इकाई के अध्यक्ष अधिवक्ता चिंतामन चौरसिया, अधिवक्ता संघ सचिव अमिताभ बाबू चतुर्वेदी से हुई बातचीत में उन्होंने अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। किस वजह से आज ज्ञापन सौंपा गया? भारत सरकार द्वारा जो विधि आयोग का गठन किया गया है उसमें जो अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता का हनन किया गया है वो अशोभनीय है और उसकी निंदा समस्त अधिवक्ता संघ पूरे अखिल भारत जितना भारत के अधिवक्ता संघ है वो विरोध करते हैं। जिक्र है कि एडवोकेट के जो भी कानून कानून नियम बंद है उसको सही तरीके से उसको लागू किए जाए, ना कि जो दिए गए हैं कानून उनका समाप्त किए जाए। ज्ञापन सौंपा गया आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर। हम लोगों ने अपने पीठासीन अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है और अगला कदम हमारा 8 अप्रैल को जो दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है अधिवक्ता संघ अधिवक्ता परिषद के सदस्यों की, उसमें जो इंडिया बार काउंसिल निर्णय लेगी उसका हम लोग अक्षर से पालन करेंगे। मध्यप्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ एवं मध्यप्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले संयुक्त आंदोलन का आगाज किया गया। शुक्रवार को पटवारी एवं राजस्व निरीक्षकों की वर्षों से लंबित 6 सूत्री मांगों को लेकर पटवारी संघ तथा राजस्व निरीक्षक संघ ने एक ज्ञापन सौंपा। एसडीएम नंदलाल सामरत को सौंपे गए ज्ञापन में 6 सूत्री मांगे रखी गई है, जिन मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मुख्यमंत्री हाय हाय मुख्यमंत्री हाय हाय हां बिल्कुल सही है। अभी तो ये अगलाई है, आगे और आई है, अभी तो ये अगलाई। हम समस्त जिलाधीश महोदयों को ज्ञापन देना था, उसी चरण में हम लोग दमोह से सारे समस्त आरआई लोग और पटवारी लोग ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं सर 6 बिंदुओं के आधार पर और आपसे सब सहयोग की अपेक्षा है। वन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते मड़ियादो क्षेत्र का जंगल एक बार फिर सुलग गया है। मार्च के महीने में तीसरी बार सुलगे जंगल से बड़ी संख्या में पेड़ नष्ट हो रहे हैं। मालूम हो कि मार्च में ही अप्रैल और मई जैसी गर्मी पड़ने के साथ ही जानलू हलाकान है। वहीं वनों की सुरक्षा में तैनात वन कर्मियों की लापरवाही का नतीजा है कि वनों में आग सुलग रही है, लेकिन यहाँ पर जंगलों की आग को बुझाने के लिए किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, जिससे यह घटनाएं तीसरी बार घटित होने की जानकारी सामने आई है। नवरात्र पर्व के दौरान बड़ी संख्या में देवी भक्त सुबह से मां बड़ी देवी के दरबार में पहुंचकर मां के चरणों में आस्था का जल चढ़ा रहे हैं। नवरात्र पर्व का तीसरा दिन और यहां पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर लाइन में लगकर माता को जल अर्पण किया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त जय मां अम्बे जय जगदम्बे का पाठ करते नजर आए। वहीं लोग शाम को जाकर आरती में शामिल होकर अपनी आस्था भी प्रकट कर रहे हैं।
दमोह जिले के पटेरा तहसील के अंतर्गत आने वाले बेलाजी जैन तीर्थ में इन दिनों श्री खजराट त्रिकाल चौबीसी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर गणाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज एवं आचार्य सौभाग्य सागर जी के सम्मानित में पंचकल्याण महोत्सव में क्रियाएं की जा रही है। पंचकल्याण महोत्सव के दूसरे दिन उत्तर गर्भ कल्याण की क्रियाएं की गयी। इस दौरान तीर्थंकर भगवान की माँ मरुदेवी की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। दौरान आचार्य संघ ने प्रवचन देते हुए गोद भराई के विषय में अपनी बात कही। जिन्होंने बहुत बढ़ लिया है वो घर हो रही है लागी लागी नाम की लागी लागी नाम की आयुषों में देखो हमारी आंगन काजरी आयुषों में देखो हमारी आंगन काजरी काजरी की निमितिया आचार्य श्री को शास्त्र भेंट होंगे, पूरी दुनिया उनको देखेगी। इन सबका चयन संभव नहीं होगा, एक राशि यहाँ पर अभी तय करेंगे और अभी बताई जाएगी आपको राशि। तो जो पहले 50 परिवार आएंगे उनको यह अवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा कि 50वीं जन्म जयंती के अवसर पर आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र देने का, उनके पात्र दर्शन करने का, उनकी मंगल आरती करने का, उनकी विशेष रूप से पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ में प्रातःकाल ठीक 9 बजे से वही प्रमोद सरफ जी पटेरे वाले आए थे, मैंने उनको कुछ काम बताया था करके आ गए हैं। यहाँ पर हाथी बग्घी बैल घोड़े आदि तरीके से यहाँ से पंडाल से शोभा यात्रा जाएगी और वहां पर जाकर पांडव शिला पर जन्माभिषेक होगा और पांडव शिला पर जो जन्माभिषेक होगा दूध दही सर्वोदी आदि सब प्रकार से होगा। महिला पुरुष सब यहाँ हमारे यहाँ सारे करते हैं, तो सारे के सारे लोग पांडव शिला पर जो अभिषेक करेंगे वह सीधा का सीधा लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया आपको देखेगी। तो गोद भराई क्यों होती है? दीक्षा होती है तो दीक्षार्थी की गोद भराई होती है। किसी सामान्य के घर में बच्चे का जन्म होने का होता है तो गोद भराई होती है, या गर्भ कल्याणक में जब माता पिता तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाले होते हैं तब उनकी गोद भराई होती है। क्यों होती है? गोद भराई का सीधा सीधा सिद्धांत है कि आपकी अभी गोद भर नहीं पाई, अभी गर्भ में आई है संतान, अब वो आपकी गोद भर जाए, इसलिए पहले से हम द्रव्य भर देते हैं। क्योंकि बच्चे का जन्म होने के बाद गोद भराई होती है कि बच्चे का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले होती है, साधे भी बोलते हैं उसे। बुंदेलखंड में साधे कहते हैं कि आप अपने को साधे, वो आपकी जो संतान है वो आपकी सदै, इसलिए उसको साधे बोलते हैं। ONGC की ओर से शिक्षा मंदिरों में सहयोग किया जा रहा है। ONGC भारत सरकार का एक उपक्रम है। यह संस्था जिन क्षेत्रों में कार्य करती है वहाँ सामाजिक दायित्वों के तहत वहाँ की शिक्षण संस्थाओं, गांव में सामुदायिक भवनों का निर्माण, हैंडपंप खनन आदि क्षेत्रों का सहयोग किया जाता है। ONGC के मानव संसाधन प्रभारी सुनील मैथ्यू ने पटेरा नाका स्थित हटा के अग्रवाल भवन में 3 स्कूलों में फर्नीचर एवं अन्य संस्थानों के लिए सहयोग राशि प्रदान करते हुए अपनी बात कही। हटा से राजुल प्रताप सिंह राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। इस तरह से ये शिविर का आयोजन किया गया है। किस तरह से शिविर का ONGC, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये भारत सरकार का तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो कि गवर्नमेंट का कंपनी है और इसका एक CSR पॉलिसी होता है, निगमित सामाजिक दायित्व। उस कार्यक्रम के अंतर्गत हमें हर साल हमारे कार्य क्षेत्र के आसपास के एरिया के विकास के लिए
लोगों की भलाई के जो भी काम हो सकते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, पंचायत घर हो, या कहीं पर कम्युनिटी हॉल बनाने की जरूरत है, इसके तीन चीज़ें होती हैं। नेत्र परीक्षण होगा तो उससे पहले, सबसे पहले तो ये पता हो चलेगा कि भाई उसको किस नंबर का चश्मा चाहिए। एक चीज़ चश्मा फ्री मिलेगा। दूसरा नेत्र परीक्षण का ये होता है कि मरीज की आँख में कुछ परेशानी है, इसके लिए दवाई की जरूरत है, तो दवाई भी फ्री मिलेगी। हटा में शुक्रवार को मदारचल्ला मैदान से महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के मौके पर चढ़ाई जाने वाली सन्मिलित चादर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी अजमेर शरीफ में जाने के लिए हटा नगर में शान शौकत और अदब के साथ निकाली गई। यह सन्मिलित चादर नगर के अनेक मार्गो से होते हुए गश्त करती हुई निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद लोगों की मौजूदगी रही। हटा से राजन प्रताप सिंह राजपूत एवं भरत साहू की रिपोर्ट। चादर निकाली गई यहाँ मदारचल्ला से होती है, खचना से नांदेड़ा बगीचा से होती है, मंदिर मस्जिद चौराहे से हजरत मलंग सावरी झुंडला दरगाह पे होती है, बाजार से चंडी जी होते हुए वापस मदारचल्ला के लिए। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार।